हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और खुश होंगे। सुबह के बज रहे हैं 10। पूजा पाठ करके किचन में आ चुके हैं। घर में शांति का माहौल है क्योंकि सब लोग जा चुके हैं। सुबह से वही होता है, भाग 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 करके सारे काम करने पड़ते हैं, भाग दौड़ लगी रहती है। जब 9:30 बज जाते हैं तो थोड़ा सा इत्मीनान से चैन की सांस लेते हैं कि अब पूरा काम हो चुका है। सब लोग अपने अपने टाइम से अपने अपने काम पे चले गए हैं, हस्बैंड भी चले गए हैं, बच्चे भी स्कूल चले गए हैं। और बाकी सुबह से जब उठते हैं तो दिमाग में बस एक ही सवाल चलता रहता है कि इन लोगों को टाइम से सबसे पहले टिफिन वाला काम निपटा देते हैं। काम इतने ज्यादा होते हैं सुबह, ये सोचते हैं कि अगर पहले से तैयारी करके मुझे रखेंगे ना तो सड़ जाएगी सारी चीजें। तैयारी करने में मेरा ज्यादा टाइम लग जाता है, हालांकि कुछ ना कुछ तैयारी करके पहले से ही रखते हैं। आलू बॉयल करके हमने रात में ही रख दिया था, सुबह उसकी सब्जी बनाई थी आलू और बैंगन की। मुझे ये रहता है ना कि सुबह जो बन जाएगा बन जाएगा, फिर दोपहर में मेरा मन नहीं होता बनाने का, क्योंकि बहुत सारे काम होते हैं। वीडियो एडिट करने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है, वॉइस ओवर करने में, अपलोड करने में, टाइटल थंबनेल डिस्क्रिप्शन बनाने में 2-3 घंटे चले जाते हैं। तो मुझे लगता है कि सुबह का खाना का जो है काम निपट जाएगा तो दोपहर में अपने ये सारे काम करते रहेंगे। और मायूसी इतनी ज्यादा होती है मुझे कि क्या बताएं, कि इतनी मेहनत के बाद जब 20-30 लोग देखते हैं ना, तो फिर अगले दिन मन बहुत ही ज्यादा उदास हो जाता है कि इतनी मेहनत करते हैं बस इतने से व्यूज जाते हैं। कुछ लोग देखें तो हिम्मत आगे हो, कभी कभी तो हौसला होता है, खुशी होती है कि कोई बात नहीं अपना काम है करते रहेंगे, लेकिन कभी कभी आदमी के हाँ निराशा हो ही जाती है। हम भी इंसानी हैं तो सोचते हैं कुछ अच्छे व्यू आएंगे, कुछ अच्छा कर पाएंगे, लेकिन इसी आस में रोज ही वीडियो शूट करते हैं। और रोज क्या दिखाएं आप लोगों को, जो मेरा रूटीन रहता है वही दिखाते हैं। अब रोज पूरी सब्जी बन नहीं सकती, रोज पनीर बन नहीं सकता। नॉर्मल खाना जितना अच्छा हेल्दी होता है, जैसे दाल हुआ, चावल हुआ, रोटी हुआ, सब्जी हुआ, तरह तरह की सब्जी और तरह रंग बिरंगी मतलब बदल बदल के दालें। और रोटी में तो मिक्सी रोटी आप बना सकते हैं, यानी मिस्सी रोटी बना सकते हैं बदल बदल के। उतना ज्यादा हेल्दी पूड़ी पराठा नहीं होता है, लेकिन अब पूड़ी पराठे का मौसम आने वाला है, ठंड धीरे धीरे आ रही है, पालक आने वाले हैं, मेथी आने वाले हैं, गोभी मूली के पराठे, तो पराठे ज्यादा खाए जाएंगे ठंडी के मौसम में। वैसे मेरे यहाँ सिर्फ एक ही फेवरेट होता है जो है आलू का पराठा, सबको इतना भाता है कि क्या बताएं, सबसे ज्यादा वही सब लोग पसंद करते हैं, चाहे ठंडी हो, गर्मी हो, बारिश हो, कोई भी महीना हो। उसके बाद जो दूसरा पराठा होता है सत्तू का पराठा, वो भी सबको बहुत ज्यादा पसंद आता है। हालांकि मूली और गोभी के पराठे इतने बच्चे नहीं चाव से खाते हैं, लेकिन ये दो पराठे बच्चे चाव से खाते हैं। घर में जो चीज बच्चों को मन को भाती है वही बनाने का मन होता है, ये नहीं रहता कि ये बना रहे हैं तो बच्चे नहीं खाएंगे, नखरे करेंगे। तो बड़े तो सब कुछ खा लेते हैं, लेकिन बच्चे थोड़े बहुत नानुकुर करते हैं। तो ये सब बातें होती हैं। आज मसालेदानी साफ की है, मसाले खत्म हो रखे थे, सिर्फ हल्दी का डिब्बा नहीं खाली था तो उसको नहीं धुलाया गया, उसमें मसाले भरेंगे। मसाले भरने से पहले हम अपना लंच दोपहर का करेंगे। लंच में हमने वही सब्जी बनाई थी, रोटी बनाया था और साथ में चावल बनाया था। सैलेड काटेंगे, खीरा और टमाटर, चुकंदर भी रखा है लेकिन आज मन नहीं है चुकंदर खाने का, तो सिर्फ खीरा और टमाटर काटेंगे। सबसे पहले खाना खाएंगे तो आप लोग भी आ जाइए लंच करने, और तब तक आप लोग हमारा सुबह का ब्लॉग देख लीजिए तो जो हमने थोड़ा बहुत शूट किया था। और हाँ, तो यहाँ पे हमने सबसे पहले कढ़ाई चढ़ा दी, इसमें तड़के के लिए हमने जीरा डाल दिया है, जीरे को अच्छे से तड़कने देते हैं। उसके बाद प्याज और हरी मिर्च को चॉपर में चॉप करके रखा है, उसको डाल दिया है। उसके बाद 1 चम्मच भर के अदरक लहसुन का दरदरा पेस्ट डाला है, स्वाद के अनुसार हमने थोड़ा सा नमक डाल दिया है। नमक डालने से हमारा प्याज अदरक लहसुन जल्दी पक जाएगा और गलने में भी प्याज को नमक जो है हमारी हेल्प करता है। कोई भी जब हम टमाटर वगैरह प्याज वगैरह डाल देते हैं तो उसमें नमक डालने से वो बहुत ही जल्दी गल जाता है। तो हमने मसाले डाल दिए हैं, हल्दी मसाला डाला है, सब्जी मसाला डाला है। आज हमने गरम मसाले वगैरह की जगह पाव भाजी मसाला का यूज किया है। तो आज हम बनाने वाले हैं बैंगन आलू की सब्जी। सबसे पहले हमने मसाले को अच्छे से भुना है, उसके बाद बैंगन डाल दिया है। 2 बैंगन हमने लिया है, डायरेक्ट कढ़ाई में हमने कट करके डाला है और इसको अच्छे से भून लेंगे। भूनने के बाद इसको ढक के पकाएंगे। बैंगन की एक रेसिपी हमने शेयर की है, काफ़ी ज़्यादा वायरल है, अगर आप देखना चाहते हैं हमारी वीडियो को, बैंगन वाली वीडियो को, तो लिंक आपको हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहां से देख लेना।
तो बिना प्याज और लहसुन की सब्ज़ी हमने बनाई थी बैंगन की, काफ़ी समय पहले शायद नवरात्रि के टाइम में बनाई थी, तो बहुत तो ज़्यादा वायरल हुई है। तो अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने आलू डाल दिया है। बैंगन टमाटर को सबसे पहले अच्छे से मैश करने के बाद आलू को भी अच्छे से भून लेंगे। आज जो सब्ज़ी हमने बनाई थी खाने के बाद एकदम से पाव भाजी जैसी लग रही थी इसका स्वाद, क्योंकि हमने पाव भाजी मसाला डाला था। और जब वीडियो एडिट नहीं करते हैं तो मेरे दिमाग में बहुत सारे चीज़ रहता है, सोचते हैं आप लोगों से कहेंगे बात करेंगे, लेकिन जब वीडियो एडिट करने बैठते हैं तो मुझे सारी बातें भूल जाती हैं। जैसे दिन में हम काम करते रहते हैं, सोचते हैं आज आप लोगों से इसके बारे में बात करेंगे, आज आप लोगों से ये बात करेंगे, लेकिन जब वीडियो तुरंत एडिट नहीं करते हैं, 2 दिन बाद या 3 दिन बाद एडिट करते हैं, तो जो सोच के रखते हैं कि आप लोगों से ये बात करेंगे तो वो भूल जाता है। तो यहाँ पे बच्चों का टिफिन लग चुका है, बच्चों की स्कूल की जो डब्बा है यहाँ पे गौरी को तैयार कर रहे हैं, इनकी चोटी बनानी होती है। तो बस सुबह का यही रूटीन होता है, बच्चों का डब्बा बनाना और लोगों को टाइम से स्कूल भेजना, चोटी बांधना, उसके बाद जो होता है साफ़ सफाई का काम शुरू हो जाता है, झाड़ू पोछा बर्तन का। तो आज हमने झाड़ू करने के बाद मुझे याद था कि मसालेदानी से मसाला ख़त्म हो रखा था, सब्जी मसाला, गरम मसाला, इसमें कोई भी मसाले नहीं थे, सिर्फ थोड़ी सी हल्दी, जीरा और राई दाना था। तो हमने सोचा चलो आज इसको खाली करके धुल लेते हैं। दीपावली से पहले सारे डिब्बे तो हमने साफ़ करे थे, लेकिन ये मसालेदानी जो थी ना रह गई थी, तो हमने सोचा इसको भी, मसाला जब खाली हो गया है तो दीपावली से पहले इसे क्लीन कर लेते हैं। तो सारी मसालेदानी को हमने जो इसमें थोड़ा सा मसाला था उसको खाली करके इसको क्लीन कर लिया है अच्छे से धुल के। पहले इसका पानी निकलने के लिए रख देते हैं, पानी निकल जाएगा, अच्छे से सूख जाएगा, फिर इसमें मसाले भरेंगे। इसको सबसे पहले रख देते हैं, पानी निकल जाएगा। उसके बाद दोपहर के टाइम हुआ, लंच करने की बारी आई, तो देख सकते हैं जो हमने बैंगन की सब्जी बनाई थी कितनी अच्छी ग्रेवी वाली सब्जी बनी है ना। साथ में हमने आज दाल नहीं बनाया था, सिर्फ चावल रोटी बनाई थी, और साथ में हमने खीरा और टमाटर का सैलेड काटा था, चुकंदर भी था, लेकिन आज मेरा मन नहीं था चुकंदर खाने का, तो बस खीरा कट किया है। खाने के बाद हमारी मसालेदानी अच्छे से सूख चुकी थी, तो इसमें हमने मसाले भर दिए हैं। हमारे मसालेदानी में होता है सब्जी मसाला, किचन किंग मसाला, और हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, और राई दाना, जीरा, इतने मसाले होते हैं। तो ये देख सकते हैं मसालेदानी में कौन कौन से मसाले भरे, गरम मसाला है, धनिया है, किचन किंग है, सब्जी मसाला, हल्दी और जीरा, राई है। तो 3-4 मसाले होते हैं बेसिक से जो सब्जी में पड़ते हैं। नमक हम अलग डिब्बे में रखते हैं, प्लास्टिक के, वैसे कांच की भरनी में नमक रखना चाहिए, लेकिन हम इसमें ही रखते हैं प्लास्टिक का डिब्बा। जब से हमने किचन संभाला है तब से उसमें हमने नमक ही रखा है। तो मसालेदानी को साइड में करके सबसे पहले ये मसाले के पैकेट फेंक के आते हैं कूड़े में। दोपहर के 12:30, और आज इस वीडियो का यहीं पे एंड कर देते हैं, क्योंकि कभी कभी होता क्या है भूल जाते हैं। अब खाना पीना खा लिया है, बर्तन धुल दिया है, तो थोड़ी देर करेंगे आराम, तब तक बच्चे आ जाते हैं, और जब बच्चे आ जाते हैं तो सब कुछ भूल जाता है उनके चक्कर में। तो इस वीडियो का यहीं पे एंड कर देते हैं, मिलेंगे आप लोगों से अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, मिलेंगे आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।